डिफरेंट एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ये मैंने पैंडेमिक के टाइम पे हम लोगों ने सोचा मिस्टर ज्ञानदीप सिंह जी ने और मैंने मिलके कि ऐसा कुछ वर्चुअली हम लोग करें जहाँ पे हम स्टेज को मिस नहीं करेंगे, स्टेज के एस्थेटिक्स को वी वॉन्ट मिस. वी विल यूज द प्रॉपर एस्थेटिक्स ऑफ लाइट एंड बैकड्रॉप एंड विल कन्वे दिस मैसेज. सो what we say, where there's a will, there's a way. So we found out a way to reach out to the audience, and I think it has turned out very beautiful. I hope the audience like it, and waiting for you. Varun. I read a little bit, so I was reading this translation of Meghadoot by late Shri Harivansh Rai Bachchan ji, and was also reading the poetry of Nirala ji. ये हिंदी साहित्य में आता है. वो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि Meghadoot में जैसे एक cloud messenger है, it's taking the message to, but Meghadoot में हमें project में एक difference है. Meghadoot में cloud the messenger is taking the message of the lover to the lady, and वो प्यार का मैसेज लेके जा रहा है. मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं कुछ अगर इसको सोशल मैसेज पे कन्वर्ट कर सकूँ, और ये एक मैसेज वाटर कंजर्वेशन को लेके एक क्लाउड मैसेज पहुँचा रहा है. एंड हाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, वो क्लाउड इज अ मैसेंजर ऑफ दैट इम्पॉर्टेंस. इज मेकिंग पीपल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर. कभी किसी खूबसूरत लड़की को इन्जॉयमेंट का कारण बन रहा है, कभी तो ब्यूटिफुल लवर्स के लिए इन्जॉयमेंट और खुशी का, हैप्पीनेस का एक जरिया है, और कभी कहीं पे जहाँ पे वो अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देता वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो दिस इज़ वॉट वॉज माई कॉन्सेप्ट. बट आई वॉन्टेड टू डू अ शो विच इज एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. एंड पैंडेमिक के टाइम पर मुझे लगा कि ये जो मैं करने वाली थी स्टेज पे, इसको मैं 5 सीरीज में बना के, एंड लेटेस्ट जस्ट ज्ञान ने कहा कि ये इस तरीके से हम वर्चुअली इसे कर सकते हैं, एंड वी जस्ट ट्राइड इट, बट आई थिंक इट हैज कम आउट वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मी. Well, I have seen all the videos that are going to be coming out soon in the month of February or 2nd of February on YouTube. All I can say is Neha is a fantastic artist. I've had the opportunity to work with her as well, and we did a show together before. And whatever this girl does is always extremely creative, extremely unique. And what she has done this time is path-breaking completely. एक ऐसा मीडियम आया है सामने जो क्लासिकल डांस के लिए एक बात ब्रेकिंग इवेंट बनेगा, एक बात ब्रेकिंग शो बनेगा, विच दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम. इट्स टेक्निकली ब्यूटिफुली डन बाय ज्ञान. ऑफकोर्स म्यूजिक ऑफ विवेक जी इज फैंटास्टिक, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ नेहा इज ऑलवेज रॉकिंग, एंड एज ऑलवेज शी डन अ ग्रेट जॉब. संदीप, नेहा, संदीप जी, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से कई चीज़ें विवादों में आ जा रही हैं, और डिजिटल टेक्नोलॉजी युवाओं को बहुत अपील भी करती है. आप ये अपने कार्यक्रम के तहत, इस एल्बम के तहत युवाओं को कितना आकर्षित करने पाने में सफल रहेंगे? अभी तो ये सेकंड को रिलीज़ होगा, तो मुझे पता चलेगा कि कितने युवा इससे जुड़ेंगे, बट उम्मीद मुझे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज मोबाइल आजकल हर किसी के हाथ में है. तो हमें सिनेमा घर तक, अभी पैंडमिक के टाइम पे तो स्पेशली हमें सिनेमा घर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई हैवी टेक्नोलॉजी का भी यूज़ नहीं करना है, घर के ही अंदर बड़े कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने नहीं हैं, आपके हाथ में जो सेट है आप उसी का यूज़ करके इसे देख सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड रीच आउट टू द ऑडियंस, टू द यंग ऑडियंस, जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म के बारे में अब ज़्यादा जान पाएंगे, बिकॉज इट विल बी गोइंग रीचिंग आउट टू मोर एंड मोर यूथ नाउ. सो आई थिंक यस, इट विल बी अ गुड रीच आउट. Amongst us, we have one of the journalists here who is
saying it's the first event, and being a classical dancer, it's a dream come true. When this show, this young girl who's sitting, standing right here and having tears in her eyes, just proves that this has reached all the young artists. Come here. Dance has always had this image of being with my mythology characters, mythological characters, but Neha has brought this unique social message to it, along with the new technology, which is very, very attractive towards a youth like this. And the tears just prove that what you have done, Neha, is fantastic. Thank you. So you don't have to cry at all, you have to feel happy. Tell everybody that classical dance on virtual platform in a new way has come, and it's a way to reach out to the world now. Yes? I just want to say one more thing here, that it is not, like, yes, of course, I'm here to promote classical dance and Kathak in general, but it is also about dance. Maine Sandeep ji ke saath jo pehla project kiya tha, Sairan Bhi, in that we had many other dance forms, bahut sare dance forms ke. So dance has always been a medium to express. Dance se hum express kar sakte hain. भी कथक भरतनाट्यम ओडिसी या बॉलरूम या तनोरा ब्यूटिफुली ही हैज जस्ट नाउ कंपोज समथिंग वेरी वेरी ग्रेसफुल एंड एक्सप्रेसिव इन तनोरा. सो डांस इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस और यही मेरी हमेशा कोशिश रही है और रहेगी आगे भी. ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कलाकारों के साथ जुड़ के मैं कुछ नया start again. You can connect with me anytime. I'll give you my contact. You can connect me. I teach. I'll help you all. Don't worry. Topic is not easy, it's not obscure, and a lot of thought has gone into it, a lot of creativity has gone into it, and lots of months of effort has gone into it. So I think pandemic ke time pe hum log sab ghar baithe the aur inhone uska creatively uska work sambhal kiya, which is a very beautiful thing, which is a sign of a true artist. Kis tarah se hum log apne free samay mein usko ek productive bana sake, and that's what she has done, and this is the result of her productive work. All the best to you. Thank you, Sandeep ji. Thank you so much for being there with me always. He always stands with me whatever I do, and I hope ki hum log future mein aur zyada connect karke aur acha hoga. Thank you. To the audience, yes, there are two messages I want to give. Jaise maine abhi bachche ko suna, nahi, there is never, main to is baat ko bilkul nahi manti ki aap hope lose kar sakte ho, kabhi bhi nahi. अभी इतने बड़े पैंडेमिक में भी अगर दिमाग के अंदर कुछ आ सकता है, मेरे ज्ञान के दिमाग में, हमारी म्यूजिकल टीम के दिमाग में, हम लोग सब बैठ के अगर कुछ सोच सकते हैं, आपको सिर्फ एक हिम्मत करने की ज़रूरत होती है, एक कोशिश करने की ज़रूरत होती है, होता है, सब कुछ होता है, एंड इट विल बी पॉसिबल ऑलवेज. सो आई वॉन्ट टू डू मच मोर बेटर बिगर प्रोजेक्ट जितना कथा का नॉलेज नहीं है फाइन है, जो पिक्चर मूवीज देखकर और शोज देखकर नॉलेज है थोड़ा बहुत, सॉर्ट ऑफ पेशेंट वर्क एंड थोड़ी एक्सप्रेशन टॉक अबाउट विद एवरीथिंग एक्सप्रेस हैंड एंड आईज एंड फेस एंड एवरीथिंग एंड शी इज अ ब्रिलियंट जॉब. एंड हम लोग देखते थे सर डिज़ाइनर, वी सी द कॉस्ट्यूम, वी सी द होल थिंग, एंड द कॉस्ट्यूम ऑफ शी इज वेयरिंग इट फॉर द वीडियो, इट लुक्स वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस टू मेक अ न्यू कलेक्शन. Team Kathak dance as a inspiration, and I always look forward to see the classical dancers and the inspiration of them. So Neha ko main congratulations and all the best. Yeah, she's an amazing dancer, so I'm really looking forward to this video. I wish her loads and loads of success, many more videos to come like this. I will show her.
So then when it comes to dance, you're a music dancer yourself, which is a form that you really practice like. For me, dance is something that is more serious, sports, and my body type is more, I would say, Latin. Because I've been training myself dancing. But then last few years, I've been training myself for hip hop and Bollywood and all other styles, including folk and Lavi and other Marathi styles as well. So dance is just, there are different forms of dances, but I think it's an expression. Yes, and amongst all this, all the challenges. But before I say anything about Manimal, I saw. Yeah, I'm sure you will agree with me, everything in the universe, people say, has a rhythm. And, everything kind of around us dances. That's the way God has created this universe. And I think the best form of expression when it comes to dancing and classical dance, and amongst all of them, I think Kathak is the most expressive form of dancing. What I saw was one of the most expressive Kathak performances. Created in a very challenging environment. So hats off to you, and given to understand there are 5 editions of these. When is the date of release? Second of Feb. So I'm going to be waiting eagerly, and I'm sure all of you must follow and try and take it to as many people as possible. Congratulations and all the best. Thank you so much. बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नेहा का जो डांस फॉर्म का ऊपर कमांड है वो मैं आई बीन टू सो मैनी यू नो कंसर्ट्स टू दिस बिकॉज आई पर्सनली फाउंड आउट दिस फॉर्म ऑफ आर्ट तो नेहा का मैंने परफॉर्मेंस देखा था रेमो के साथ में राइट शिवमणि उस परफॉर्मेंस के बाद मैंने खुद ऐसा फील किया था कि नेहा जब भी कोई एल्बम कट करेगी तो 100% एक शॉर्ट शॉर्ट हिट होगा और आप देखिए कि जैसे हम लोगों ने टीजर देखा वो इतना खूबसूरत बन पड़ा आया बिकॉज ऑफ वर्क सो आई कैन से Thank you.